हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर कभी कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें फॉर्म व्यू में ही कैलकुलेट करना होता है, तो ऐसी स्थिति में फॉर्म व्यू में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में यही देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सेस को तो ओपन करना होगा, तो यहां से एक्सेस को ओपन करता हूं और इसके अंदर अब हम सीधा सीधा फॉर्म व्यू में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे चलेंगे और यहां पे चल करके ये क्रिएट पे क्लिक किया और जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, अब हमें फॉर्म व्यू में कैलकुलेट करना है तो इसको पहले क्लोज करेंगे और यहां से क्रिएट पे जाएंगे, देन हम एक बनाएंगे, लेंगे ब्लैंक फॉर्म। तो ये ब्लैंक फॉर्म ले लिया हमने और यहां से जाएंगे डिजाइन व्यू पर और डिजाइन व्यू पर लेकर के हमें यहां पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने होंगे ताकि दो टेक्स्ट बॉक्स रहेंगे तो इन दोनों में वैल्यूज आ सकेंगी। ठीक है, और यहां से जाकर के इसको ड्रैग कर दीजिए, ये पहला टेक्स्ट बॉक्स, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूं, यानी कि दो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस आ चुके हैं। अब ये पहला टेक्स्ट बॉक्स है, देख सकते हैं, और इसका प्रॉपर्टी शीट पे जाकर के नाम चेंज करेंगे हम। यहां पे लिख देता हूं मैं फर्स्ट नंबर, FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर कर देते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर। और देन यहां पर आकर के इसका करेंगे सेकंड नंबर। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं SECOND सेकंड और नंबर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये इसका नाम क्या दिया हमने, फर्स्ट नंबर अंडरस्कोर लगा के लिखा है, तो यहां पर भी हम अंडरस्कोर लगा के ही लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे अंडरस्कोर नंबर NUMBER, तो ये हो गया इसका फर्स्ट नंबर, इसका सेकंड नंबर। अब ये जो लेवल है, इस लेवल का भी नाम हमें चेंज करना होगा। ठीक है, तो यहां से चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करके, तो चलिए इस पर क्लिक करके चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, सेम जो है यहाँ पर नेम हम दे देते हैं जो वहां पे दिया था हमने अनबाउंड पर, और यहाँ पे SECOND सेकंड अंडरस्कोर नंबर। तो ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हो गया, अब जो है ये इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमको इनका टोटल करना है, तो टोटल कैसे होगा सवाल यही है। तो हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, तो वही फॉर्म डिजाइन पे चल करके और इस पे ये देखिए ये जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब ये टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिया, बॉक्स बनाने के बाद अनबाउंड पे आकर के और यहाँ पर देखिए आपको मिल जाता है कंट्रोल सोर्स, तो बस इस कंट्रोल सोर्स में आपको थ्री डॉट्स नजर आएंगे। यहाँ पर देखिएगा ये थ्री डॉट्स आपको नजर आएंगे, ये तभी नजर आएंगे जब आप इसे सेलेक्ट रखिएगा, तो ये थ्री डॉट्स नजर आएंगे, जैसे ये नजर आएंगे तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करके फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को एड कर देते हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखा है FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर और बंद किया, और प्लस यहाँ पे कर देते हैं SECOND सेकंड अंडरस्कोर नंबर, तो ये हो गया सेकंड नंबर। तो अब इन दोनों को हम, ठीक है, और यहां से ओके किया और ओके करने के बाद यहां से अब व्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऐड भी कर पा रहे हैं। ठीक है, आप इस फील्ड का भी नाम बदल सकते हैं। ठीक है, यहां से चेंज करूंगा और यहां से चेंज करके और इसको नाम दे दूंगा टोटल, TOTAL, यानी सीधा सीधा हम कहां ऐड कर रहे हैं, फॉर्म व्यू के अंदर ऐड करने का कार्य कर रहे हैं। यहां पे देख सकते हैं ये टोटल जो एडिशन हो रहा है ये फॉर्म व्यू में, मैंने कहीं टेबल तो बनाया ही नहीं, लेकिन मैं सीधा सीधा फॉर्म व्यू में चाहे तो ये कार्य कर सकता हूं। अगर आपको ऐसी नीड है, ऐसी जरूरत है, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको करके दिखाया भी कि कैसे इसे करना है। अब यहां से इस पॉपअप को यस कर देता हूं और यस करने के बाद यहां से इसे सेव कर देता हूं और तब इस पर क्लिक करता हूं, तो ये देखिए ये एक तरीके का आपका फॉर्म बन चुका है और सीधा सीधा ये फॉर्म में कैलकुलेट हुआ है। ये तो एडिशन की बात रही, इसमें कुछ और भी कराना हो, जैसे अगर आप डिवाइड करना चाहते हो, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है, ये ज्यादा आसान है इन कंपेरिजन टू VBA। तो आप एडिशन वगैरह के लिए चाहे तो ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको सीधा सीधा फॉर्म में कैलकुलेट करना है तो। ठीक है ना, यह है, तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। ठीक है, ये आप कर देखिए, यहाँ पे जो भी आप ऐड करना चाहेंगे बहुत आसानी के साथ ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर चेंज करता हूँ, पॉइंट वाली वैल्यूज भी ऐड कर पाएंगे। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं, तो पॉइंट वाली वैल्यूज भी। अब पॉइंट वाली वैल्यूज कैसे, तो यहाँ पर जब आप रहते हैं, ये देखिए, ये मैं इसे डिजाइन व्यू पे लेता हूँ फिर से, और इसको अब देखिए यहाँ पर क्लिक करके आपको करना क्या होगा, ये जो फॉर्मेट है ना, इसे आप बना लीजिएगा स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये कंट्रोल सोर्स के नीचे आपको फॉर्मेट दिखाई देगा, तो इसमें से आपको स्टैंडर्ड चूज करना है। क्या चूज करना है, स्टैंडर्ड, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप स्टैंडर्ड के अलावा कुछ और भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो है नंबर की कैटेगरी में ही रखना है आपको। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मैंने चूज किया है, जिसकी वजह से हम डेसिमल में भी ऐड कर पा रहे हैं। तो देख सकते हैं हर तरीके का एडिशन यहाँ पर पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस।
or easily inform you, you can make this, okay? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो.